हाय एवरीवन एंड नमस्ते। तो जॉन विक चैप्टर 4, ओ माय गॉड, कितनी फाड़ मूवी है कि इसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब इतना तगड़ा एक्शन मैंने इतने सालों बाद देखा, एंड इनफैक्ट इतना तगड़ा एक्शन मैंने आज तक देखा ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मूवी देखने चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इस मूवी का रिव्यू देखना चाहिए। प्लीज़, यू डोंट नीड टू वॉच एनी रिव्यू, जस्ट गो एंड वॉच दिस फ्रिकिंग मूवी, क्योंकि ये इतनी तगड़ी मूवी है। लाइक इट इज़ ए टोटल मास्टरपीस मूवी, एक्शन जॉनर के अंदर अमंग वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई कैन से। लाइक जॉन विक चैप्टर 4 इज़ फ्रीकिंग मास्टरपीस। अगर आप एक्शन मूवी के फैन है, कियानू रीव्स के फैन है, तो बस जाके इस मूवी को देखिए। ये तो मेरा एकदम शॉर्ट रिव्यू। तो इस वीडियो में मैं स्पॉइलर के साथ भी बात करने वाला हूँ मूवी के बारे में। मैंने जॉन विक की ना जो पहले 3 पार्ट थे वो घर पे ही देखे थे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। जॉन विक की जो मूवी है उसको मैं पहली बार हॉल पे देख के आया हूँ। तो मैं मूवी की स्टोरी से बात को शुरू करूँ, तो सबसे पहली चीज, इसकी स्टोरी जो है ना वो कॉन्टिन्यूएशन में ही है। चैप्टर 3 के अंदर जॉन विक को गोली पड़ती है और वो ऊपर बिल्डिंग से न्यूयॉर्क के अंदर नीचे गिर जाता है। वो मर गया है या उसकी बॉडी उनको मिली नहीं है, तो वो गायब हो गया। तो लाइक जब ये मूवी शुरू होती है तो इसमें ये होता है कि कियानू रीव्स इज ट्रेनिंग, ही इज यू नो पंचिंग। मूवी यहाँ से शुरू होती है, इसमें रिवील करता है कि ही इज नॉट डेड, ही इज अलाइव एंड ही इज ट्रेनिंग टू टेक डाउन द टेबल, दिस होल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब स्टोरी मूवी में यही है, उसको टेबल से रिवेंज लेना है। टेबल वालों को पता लग गया कि ये जिंदा है, एंड स्टार्टिंग में जो लीडर होता है ये उसके पास जाता है रेगिस्तान में, जैसे हमने पिछली मूवी में देखा था, एंड उसको गोली मार देता है। भाई बंदा उसको गोली मार देता है और उसको ख़त्म कर देता है। तो वहाँ जो जितने भी टेबल के लोग हैं वो जॉन विक को ख़त्म करवाना चाहते हैं। तो माकियावेली करके एक पेरिस की ऑर्गेनाइजेशन या फैमिली है, उसको जिम्मा दिया जाता है। मार्किस करके उस बंदे का नाम होता है, बोला जाता है तू जाके जॉन विक को मार दे। टू किल जॉन विक एज ही इज़ यू नो सो गुड, ही सो कॉम्पिटेंट विद हिज असैसिनेशन स्किल्स। तो अगर वो माकियावेली उसको मार देगा तो उसका बहुत नाम हो जाएगा। तो उसको सारे के सारे रिसोर्सेज ये दे देते हैं ताकि वो जॉन विक को मार सके। मूवी का प्लॉट और विलन सेट हो जाता है स्टार्टिंग के अंदर ही। अब क्या होता है, जॉन विक जाता है जापान कोजी से मिलने ओसाका होटल पे, ठीक है। वो भी जैसे कॉन्टिनेंटल न्यूयॉर्क में होटल है, वैसे ही जापान में ओसाका करके होटल है। फिर क्या होता है कि वहाँ लड़ाई होती है, एंड वो इतना तगड़ा लंबा एक्शन सीक्वेंस है भाई। वो पूरा मूवी की स्टार्ट ही हो गई और पूरा मूवी के ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा फर्स्ट हाफ को वो खा ही जाता है। वो पूरा एक्शन सीक्वेंस वो चलते ही जाता। यहाँ पे डोनी येन इंट्रोडक्शन होता है, यहाँ पे कोजी का इंट्रोडक्शन होता है जो ओसाका इंटरनेशनल का मालिक होता है, फिर उसकी बेटी होती है उसका इंट्रोडक्शन होता है, और फिर जो ये माकियावेली ग्रुप है इनके गुंडों का इंट्रोडक्शन होता है सारा का सारा। जॉन विक इनसे लड़ते रहता है, एंड फिर डोनी येन है हु इज केन एंड ही इज लाइक ब्लाइंड, वो एकदम ना डेयर डेविल वाली वाइफ दे रहा बंदा। भाई क्या फाड़ लग रहा है डोनी येन। तो बेसिकली इन दोनों का एक इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है यहाँ से। तो जो फर्स्ट हाफ मूवी का एंड होता है वो सारी चीज़ों को सेटअप कर देता है। एंड फिर हाँ, मूवी में ये भी दिखाया जो विंस्टन होता है, एक तो उसके पूरे होटल को ये उड़ा देते हैं, फिर उसके बाद विंस्टन के साथ चैरॉन होता है वो उसको भी मार देते हैं। एंड लाइक द एक्टर इन रियल लाइफ ही इज़ ऑल्सो नो मोर। तो वो मूवी में देख के एंड जैसे रियल लाइफ में हमें पता लगा, वो देख के भी भाई काफ़ी सेट बैक सा लगा। फर्स्ट हाफ में होता, फिर विंस्टन जॉन विक को ये भी बताता है कि यू नो हाउ ही शुड मैनेज दिस सिचुएशन एंड ही शुड आस्क फॉर अ ड्यूल विद मार्केस, ताकि वो उससे जीते एंड फिर उसको उसकी फ्रीडम मिल जाए। तो ये बेसिकली फर्स्ट हाफ में होता है। फिर सेकेंड हाफ में यही की यही पूरी की पूरी स्टोरी चलती है। एक नया बंदा भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है ट्रैकर, वो अपने आप को नोबडी भी बोलता है। उसके साथ एक कुत्ता है, वो भी जॉन विक को मारना चाहता था ताकि वो 25-30-50 मिलियन डॉलर कमा। पर लेकिन मूवी के अंदर ऐसे होता है कि यू नो वो जॉन विक की साइड में चले जाता है, क्योंकि वो जॉन विक उसके कुत्ते को बचा लेता होता है। तो ये तो मूवी की स्टोरी और बेसिक प्लॉट है फर्स्ट और सेकंड हाफ के हिसाब। मूवी के बारे में और बात कर, मूवी में 95% एक्शन है भाई। जब एक्शन सीन शुरू होता है वो रुकता ही नहीं है, और कहीं से भी एक सेकंड भी बोरिंग नहीं लगता। इतने क्रिएटिव तरीकों से इन्होंने जो असैसिनेशन, फाइटिंग, हैंड टू हैंड कोरियोग्राफी, पिस्टल्स, नंचक, तलवारें, भैया क्या क्या इन्होंने नहीं दिखाया, भाई साहब इतना इंटरेस्टिंग लगता है वो पूरी मूवी के अंदर। लाइक द सेलिब्रेशन ऑफ एक्शन इन ए एक्शन मूवी, एंड डायलॉग्स काफ़ी कम है। जॉन विक तो वैसे ही जितनी मूवीज हुई हैं 30-40 डायलॉग रहते हैं, किसी का नाम लेता है, विंस्टन है या नो आई विल किल यू, वो ऐसे ही कुछ ना कुछ एक दो लाइन का, एक दो वर्ड का डायलॉग बोल। अब इस मूवी के अंदर जॉन विक्स की फैमिली को भी दिखाया है, जॉन विक्स के जो एक फादर होते हैं, आई डोंट नो हाउ दैट रिलेशन इज़ देयर।
तो उनको मार दिया जाता, तो जॉन विक अपनी फैमिली में काटिया के पास जाता जो उसकी आई थिंक अडॉप्टेड या स्टेप सिस्टर होती है, वो उसके पास जाता, कहता मेरे को फैमिली में आने थे और मैं हाई टेबल से लड़ना चाहता हूँ, उससे अपनी फ्रीडम लेना चाहता है। तो वो बोलती है कि जिसने हमारे बाप को मारा ना बेसिक लोग कसीनो वाले सीन में जो वो मोटा होता है, कहते तो उसको मार के ला और एक प्रूफ भी ले गया ताकि मैं तेरे को फैमिली में एंटर करने दूँ और फिर तू जाके हाई टेबल से ड्यूल के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। तो एक ये वाला सीन इंट्रोड्यूस किया गया जॉन विक की फैमिली का रिलेशन। अब मूवी के अंदर मैं आगे बढ़ूँ तो एंड में आते आते एक ड्यूल होता है, जैसे वाइल्ड वेस्ट के अंदर ड्यूल होता था ना कि दोनों बंदूकें लेके कई कदम की दूरी पे एक एक करके गोली चलाएंगे, पर उस सीन से पहले वहाँ पे पहुँचने के लिए सुबह सूर्य उदय से पहले जॉन विक को पहुँचना होता है। तो वो निकलता है विंस्टन और बॉरी किंग से बात करके सूट वूट पहन के अपना गन लेके, और भाई उस पे जो बाउंटी लगाई होती है भाई सारे के सारे लोग पेरिस में आ जाते हैं, उसको पूरी रोकने की कोशिश करते हैं कि ये वहाँ पहुँच ही ना सके, इसको मार दे और वो बाउंटी ले ले। पर भाई क्या एक्शन सीक्वेंस है ना वो पूरा का पूरा, कि एक तो वो जो पेरिस का वो वाला सर्कल है वहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं एंड ये लड़ रहा है वहाँ पर सबसे, ठीक है, इतना इंटेंस और गजब का सीन है वो। फिर वहाँ से लड़ते लड़ते आगे जा रहा है, फिर वो बिल्डिंग वाले सीन पे आ, फिर उसके बाद आगे जाता है, फिर उसको सीढ़ियाँ चढ़नी होती है और वो सीढ़ियों पे लड़ते लड़ते ऊपर जाता है, फिर उसको नीचे फेंक देते हैं, फिर वो लड़के फिर से ऊपर जाता है, फिर डॉनी है ना तो उसकी मदद करता है, कहते हैं जॉन यू हैव टू गेट देयर, फिर वो वहाँ जाता है, फिर जाके वो ड्यूल वाला सीन आता है। एंड में उस ड्यूल में ये होता है कि जो डॉनी एन होता है वो माकियावेली वाले बंदे की साइड से जॉन विक से ड्यूल कर रहा होता है, एंड वो माकियावेली वाला बंदा उसको कहता है कि अगर तू ये ड्यूल जीत गया तो तुझे और तेरी बेटी को मैं फ्रीडम दे दूंगा, तेरे को कोई परेशान नहीं करेगा। एंड फिर जॉन विक के लिए होता है कि अगर वो ये ड्यूल जीत गया तो उसको उसकी फ्रीडम मिल जाएगी, और जो विंस्टन उसके साथ होता है उसका पूरा होटल कॉन्टिनेंटल न्यूयॉर्क में उसको वापस कर देंगे एंड पूरी मैनेजमेंट वगैरह उसको दे देंगे वापस से। तो ये ड्यूल होता है और ये चीज़ें स्टेक्स पे होती है। तो गेन और जॉन विक दोनों लड़ते हैं एंड वो एक दूसरे को एक एक करके गोली मारते, 3 बार यू नो दे शूट ईच अदर, एंड जैसे आखिरी वाला टाइम होता है जॉन विक गोली नहीं चलाता एंड वो जो माकियावेली वाला बंदा है वो आता है, वो कहता है केन को हाँ हाँ जा 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 अब तो मैं इसको गोली मार दूंगा, हाँ तेरी बेटी और तू यहाँ है, तेरे को फ्रीडम दे दी मैंने, जा कोई टेंशन नहीं। तो उस समय क्या होता है कि जब केन ने गोली चलाई तो जॉन विक ने नहीं चलाई हो तो गोली खा के नीचे गिर जाता है। अब ये बंदा जब जॉन विक की तरफ गोली चला रहा होता है तो वो पीछे से विंस्टन कहता है ए बेवकूफ़ क्या कर रहा है तू, ही डिडेंट यूज हिज बुलेट। फिर वो वहाँ पे जॉन विक अपनी बंदूक उठाता और ठह मार देता है, एंड माय गॉड वो क्या सीन होता है, मतलब ऐसे ट्रिक से इन्होंने मूवी एंड किया इतने इमोशनल नोट पे। और फिर लाइक उसके बाद ही होता है कि जॉन विक सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है, सूर्योदय को देखता है और फिर वहाँ से गिर जाता है। तो बेसिकली मूवी के एंड में दिखाया कि वो मर गया है एंड उसका ग्रेव है उसकी वाइफ के ग्रेव के साथ एंड उस पर लिखा हुआ है ही इज़ अ लविंग हस्बैंड, जो कि वो सूर्योदय की फाइट करने से पहले विंस्टन को कहता है कि मेरे ग्रेव पे तुम ये लिखना आई एम अ लविंग हस्बैंड। तो वो चीज़ हम वहाँ पे देखने को मिलती है, पर लेकिन वो ना इन्होंने इसको मरते हुए नहीं दिखाया है, तो मेरे हिसाब से ये जिंदा ही होगा क्योंकि आगे जाके जब भी मूवी बनेगी जॉन विक का चैप्टर 5 तो उसमें डेफिनेटली ही कैन इमर्ज अगेन। पर लेकिन अभी लाइक इनके और भी स्पिन ऑफ बनने वाला, आई थिंक बैलरीना करके एक है और फिर होटल कॉन्टिनेंटल भी करके एक है अलग से, वो बनने वाला है। बैलरीना 3 और 4 के बीच की स्टोरी है, इसमें जॉन विक का कैमियो भी होगा ऐसा सुनने को आया है। अभी इसमें मैं मूवी के एक्शन के बारे में बात करूं, प्रोडक्शन के बारे में बात करूं, जो भी सारी टेक्निकल चीज़ें, एक तो भाई सबसे पहली चीज़ मूवी का क्या खूबसूरत विजुअल स्टाइल है, मतलब इसमें जो कलर ग्रेडिंग करी है, इसमें जो लाइटिंग है, इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो इतनी एक्यूरेट है एंड वो इस जॉन विक यूनिवर्स के हिसाब से यू नो बनाई और क्रिएट की गई है। इतने सारे इसमें सिलुएट वाले सीन है, इतने सारे इसमें ऑब्जेक्ट्स और कॉम्पोजिशन है बैकग्राउंड में, जो आगे सब्जेक्ट है जो कैरेक्टर है वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया, उसको उस कॉम्पोजिशन में डाला गया ताकि बहुत एस्थेटिक और खूबसूरत लगे। फिर उसके बाद इतने तगड़े इन्होंने प्रोडक्शन डिज़ाइन किए हैं, जो ओसाका कॉन्टिनेंटल है भाई साहब इतना खूबसूरत उन्होंने दिखाया है। जॉन विक जो छत पे खड़ा होता है उसके साइड में चेरी ब्लॉसम वाला पेड़ होता है, वो यहाँ खड़ा है, वहाँ रेड लाइट पड़ रही है, माय गॉड वो इतना तगड़ा सीन है। फिर इसमें जब ये क्लब में जाता है एंड वो जो मोटा होता है उसके पीछे इतनी तगड़ी इन्होंने लाइट दिखाई है, वो चल के आ रहा है वहाँ पे ऊपर से नीचे लाइट दिखाई है, फिर जो उसे लड़ रहा है और वहाँ से नीचे पानी गिर रहा है क्लब के अंदर, क्लब के बीच में से वो चल के जा रहा लोगों के बीच में से, भाई वो इतने गजब के इन्होंने सीन दिखाए हैं। फिर इसमें
एक्शन और एक्शन कोरियोग्राफी, माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं ये सब करते कैसे हैं भाई, पर बहुत ही नेक्स्ट लेवल दिखाया और कहीं से भी बोरिंग नहीं लग रही है। फिर इसमें इतने सारे इन्होंने फनी मोमेंट्स भी इंटीग्रेट किए हैं कैसे ना कैसे करके, जबकि इतना सारा ब्लडशेड एंड वायलेंस है एंड मेरे को इतना ब्लडशेड वायलेंस पसंद नहीं है, मैं बड़ा सेंसिटिव बंदा हूँ, मैं ऐसे इमेजेस नहीं देखता, पर लेकिन इस मूवी के अंदर मैं देख पाया जैसे भी इन्होंने किया। ये बहुत अच्छी तरह से इन लोगों ने ना इंटीग्रेट किया एक बहुत कोहेसिव तरीके से, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स हैं, यू नो एवरीवन न्यू द विजुअल लैंग्वेज ऑफ द मूवी और सम हाउ यू नो दीज गाइज हैव मास्टर्ड दिस विजुअल लैंग्वेज विच इज़ प्रेजेंटेड इन दिस मूवी, लाइक लाइटिंग, कलर, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, कैरेक्टर का प्लेसमेंट, एक्शन, फिर माई गॉड इतना तगड़ा इस मूवी में काम किया गया है। लाइक जो इसकी कॉम्पोजिशन और टेक्निकल पार्ट है ना, इस पर तो मैं एक अलग से ही वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं इन सब चीज़ों को स्टडी और प्रैक्टिस करते ही रहता हूँ रोज़, ताकि एज एन आर्टिस्ट मैं भी अपग्रेड करते रहूँ, नई नई चीज़ें सीखते रहूँ। तो ये तो हो गया VFX और प्रोडक्शन वाली सारी की सारी बात। अब इसमें कुछ सीन्स की मैं बात करूँ, इसमें एक सीन आता है जिसके अंदर जॉन विक घर में घुस जाता है एंड फिर वहाँ लड़ाई चलती है एंड फिर उसको वहाँ पर ना शॉट गन मिलती है जो कि इंसिनेटरी राउंड से भरी हुई होती है एंड वो सीन लड़ाई हो रही है, मतलब बेसिकली आप यहाँ से देख रहे हो और फिर लड़ते लड़ते ऐसे टॉप व्यू दिखा दिया भाई साहब। एक गेम आई थी, मैंने इंटरनेट पर ढूंढा था, आई थिंक हॉटलाइन मायामी करके उसका नाम है, उसमें भी ऐसा टॉप व्यू वाला सीन है। एंड फिर जब मैं मूवी देख रहा था तो जॉन विक हैक्स करके एक गेम आई थी, उसमें ये सब था कि वो टॉप व्यू से जॉन विक लड़ रहा कर रहा होता। तो इन्होंने भाई साहब फिल्म मेकिंग के अंदर उस पूरी चीज़ को एक सिंगल शॉट के हिसाब से ऐसे रूम से आ रहा है जा रहा है, ऐसे गेम खेल रहा हूँ भाई वो किया एंड वो इतना क्रिएटिव और इतना गजब का लगता है कि उसकी लाइक गाइस कोई हद ही नहीं है, लाइक दैट इज़ सो फ्रीकिंग क्रिएटिव। मतलब इन्होंने बार इतना रेस कर दिया है ना इन सब चीज़ों को लेके, दैट इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग। अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकता भाई, मैं ये देख के बोला मार्वल DC क्या कर रहे हैं भाई, कुछ तो करें अब, लाइक दिस इज़ सच ग्रेट वर्क इन दिस मूवी। एंड फिर मूवी के अंदर आगे मैं और बात करूँ तो पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, कोजी की जो बेटी होती है वो आती है, वो डॉनी येन को मारने के लिए आती है, उसको फ्रीडम मिल जाती है, वो अपनी बेटी से मिलने जा रहा था, तो वो वहाँ पे एंड कर देते हैं। ये एक पोस्ट क्रेडिट सीन है मूवी के अंदर, तो आई थिंक ये आगे जाके शायद इन कैरेक्टर्स पे भी फोकस करेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे। से आ गए, दिस वॉज माई रिव्यू ब्रेक डाउन एंड ऑल द एक्साइटमेंट दैट आई हैड आफ्टर वॉचिंग द जॉन विक चैप्टर 4। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो, subscribe to my channel, you know all this helps with the growth and algorithm. All right guys, bye bye, take care, peace, yo.